भारत स्काउट एवं गाइड के पश्चिम चंपारण के स्वयंसेवकों के द्वारा गौनहा प्रखंड के भीतीहरवा गांधी आश्रम में नील विद्रोह में हुए चंपारण सत्याग्रह की भूमिका को लघु नाटिका के माध्यम से दिखाया गया। इस नाटिका का यहां मंचन किया गया। इस कार्यक्रम में धनंजय कुमार नेतृत्व कर रहे थे। राष्ट्रपति स्काउट हिमांशु शेखर ने बताया कि भारत स्काउट एवं गाइड देश सेवा के साथ ही सामाजिक अभिव्यक्ति को भी प्रस्तुत करने में अग्रणी रहा है। चंपारण नाम सुनते ही जो चीज सबसे पहले जहन में आती है वो है सत्याग्रह। 10 अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी नील किसानों के बुलावे पर चंपारण पहुंचे। इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। चंपारण निवासी राजकुमार शुक्ल नील की खेती करने के लिए मजदूर किसानों के दुर्दशा से परेशान थे, लिहाजा उन्होंने देश के किसी बड़े नेता को यहाँ लाने की ठानी। पहले वे बाल गंगाधर तिलक के पास गए, फिर मदन मोहन मालवीय के पास, लेकिन इन दोनों ही ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी व्यवस्था का हवाला दिया और ना आने का मजूरी जता दिया। राजकुमार शुक्ल इसके बाद महात्मा गांधी से मिले और चंपारण में आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह किया। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी घटनाओं में से एक था। यह वही चंपारण की धरती है जहाँ से मैंने नील के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह किया था। फिट इंडिया मैराथन रन फॉर वोट कार्यक्रम के तहत डीएम के साथ चंपारण में गणमान्य लोगों ने आज दौड़ लगाई। इस मौके पर डीएम ने कहा कि अपने मताधिकार के प्रति सभी लोगों को जागरूक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत बनेगा जब सभी लोग अपने मतों का प्रयोग करेंगे। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मतदाता जागरूकता स्वीप कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ गांधी बाल उद्यान से शुरू होकर कचहरी चौक, बलुआ ओवरब्रिज, सदर अस्पताल, नगर थाना, चरखा पार्क, स्टेशन गेट होते हुए जानपुर चौक पहुंचा। मीना बाजार होते हुए कचहरी गांधी मूर्ति के पास आकर सभा में तब्दील हो गया। और पार्टिसिपेशन हर सेक्शन का बहुत आवश्यक है। और 2 अक्टूबर तक फिट इंडिया कैंपेन चला था। हमने यहाँ पे फिट पूर्वी चंपारण और फिट बिहार कैंपेन शुरू किया था। इसमें लक्ष्य अकेडमी, खेल पदाधिकारी जो एथलेटिक्स प्रेमी भी है उनकी भी एक ये भी कोच करते हैं, उनका ग्रुप भी हमारे साथ था और प्रशासन के लोग भी थे। इसके अलावा डिफरेंट क्लब्स जैसे बलवा हो गया, लायंस हो गया, रोटरी हो गया, रोट्रैक्स हो गया, ये लोग भी, क्रिकेट एसोसिएशन हो गया, ये लोग भी हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है। तो एक्सेसिबल इलेक्शन इज आवर मोटो। और गांधी जयंती कल हमने मनाया, यहाँ पे जिले का स्थापना दिवस भी था, तो कुछ कारणवश जो है बहुत सारे कार्यक्रम होने के चलते ये फिट इंडिया रन नहीं कल कर पाए थे, तो आज इसको पूर्ण किया गया है। और ये जो खिलाड़ी है ये बेसिकली आर्म फोर्सेस, आर्मी, पुलिस की तैयारी कर रहा है और ये पूर्वी चंपारण का फ्यूचर है। तो मैं इन सभी खिलाड़ियों को जो फ्यूचर ऑफ पूर्वी चंपारण है, मोतिहारी है, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। गांधी जी की इस धरती पर सत्याग्रह, अहिंसा और संयम, और ये लोग संयम के प्रतीक है। इनको आज तो लगभग 8 किलोमीटर रन हुआ है, परंतु अगर ये 8 का 80 भी किलोमीटर रहता तो ये लोग ऐसे ही दौड़ते। तो ये स्पिरिट है इनका। और लास्ट का लैप भी आपने देखा गांधी मैदान को जो इन्होंने लगाया है। तो मैं सभी धावकों को शुभकामनाएं देता हूँ, प्रेस मीडिया के भी जो बंधु है उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, और सभी क्लब्स जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया है, जिला प्रशासन के भी जो लोग हैं, खेल पदाधिकारी, स्वीप कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या लगता है कि इस बार? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि जेंडर रेशियो जो है, जो हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिकेशन हुआ था तब हमारा 879 था, आज के डेट में 883 है। विद इन 6 मंथ जेंडर रेशियो बढ़ाया, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। इलेक्ट्रल पॉपुलेशन रेशियो जिसको ईपी रेशियो बोलते हैं वो 0.46 से 0.47 हो गया। यही दिखाता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और ये स्वीप की गतिविधियां जो आपके माध्यम से हम कर रहे हैं निश्चित इसको फल प्राप्त हो रहा है। वोटिंग वोटर टर्नआउट रेशियो भी हमको इम्प्रूव करना है। लोकसभा में 60% था, असेंबली 2015 में 59% था, इस बार हम टारगेट कर रहे हैं 75+ परसेंटेज का। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच।